इलाहाबाद हाई कोर्ट का योगी सरकार को निर्देश। हाथरस कांड के पीड़ित परिवार के एक सदस्य को अगले 3 महीने के अंदर दे सरकारी नौकरी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह हाथरस पीड़िता के परिवार के एक सदस्य को 3 महीने के भीतर सरकारी या सरकारी उपक्रम में रोजगार देने पर विचार करे। अदालत ने कहा कि सरकार को अपने 30 सितंबर 2020 के उस लिखित आश्वासन पर अमल करना चाहिए जिसमें उसने पीड़ित के परिवार के किसी एक सदस्य को समूह गा स्तर की सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने यह आदेश मंगलवार को पारित किया है। पीठ ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया है कि 6 महीने के भीतर वह पीड़ित परिवार को हाथरस से बाहर प्रदेश में कहीं अन्य जगह बसाने का इंतजाम करे। अदालत ने स्पष्ट किया है कि ऐसा करते समय सरकार पीड़ित परिवार के सामाजिक व आर्थिक स्तर का ख्याल रखेगी तथा साथ ही परिवार के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विचार करेगी। बता दें कि यह आदेश अदालत ने 2020 में हाथरस घटना के बाद स्वतः दर्ज की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया था। पीड़ित परिवार की ओर से अदालत में कहा गया था कि घटना के बाद पीड़िता के पिता व भाइयों की नौकरी चली गई, उनके पास बहुत थोड़ी खेती जमीन है जिससे परिवार का गुजारा नहीं चल सकता है। यह भी कहा गया है कि घटना के बाद पूरे परिवार का हाथरस में सामान्य जीवन जीना दुश्वार हो गया है। अपने आदेश में अदालत ने हाथरस के जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि इस मामले में विचारण के लिए आने वाले गवाहों को यात्रा व निर्वहन खर्चा दिलाया जाए। आपको बता दें कि बीते दिन 14 सितंबर 2020 को दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाली युवति के साथ 4 लोगों ने कथित और पर बलात्कार किया था। 29 सितंबर को दिल्ली के सफरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई थी। घटना तब चर्चा में आई थी जब 29-30 सितंबर 2020 की रात में पुलिस ने पीड़िता का दाह संस्कार करने का प्रयास किया था।